हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन इन एक्शन, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। तो इसमें हम जानेंगे कि क्यों रिफ्लेक्शन जरूरी है एक अच्छा टीचर बनने के लिए, राइट। तो सिंपली जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि अपना ही प्रतिबिंब देखना, अपने ही इमेज देखना, है ना। तो रिफ्लेक्शन काम करता है जी मिरर की तरह। रिफ्लेक्शन होता क्या है या टीचिंग में इसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो एक टीचर को अपनी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए और ज़्यादा इफेक्टिव बनने के लिए, प्रभावशाली बनने के लिए, एक टीचर को हमेशा अपने आप को इवेल्युएट करना होता है कि कहाँ पे वो, मतलब असेसमेंट और इवेल्युएशन करना होता है कि कहाँ पे वो लैग कर रहा है, ठीक है। और एक इफेक्टिव टीचर बनने के लिए वो असेस करता है, इवेल्युएट करता है, अपनी कमियों को दूर करता है या अपने अपनी कमियों को और ज्यादा सुधारने की कोशिश करता है कि वो उसकी टीचिंग में आगे ना आए, राइट। तो रिफ्लेक्शन यही करता है जिसमें एक टीचर रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग करता है कि क्या और ज्यादा अच्छा हो सकता था, राइट। तो इसमें तीन टाइप्स हैं रिफ्लेक्शन की, रिफ्लेक्शन इन एक्शन। तो रिफ्लेक्शन इन एक्शन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सपोज करो एक टीचर टीचिंग कर रहा है और उसको काफी टाइम हो गया, मतलब टीचिंग करते करते क्लास के अंदर जब क्लास चल रही है तो उसने देखा आफ्टर 20 मिनट्स की कोई भी बच्चा अटेंटिव नहीं है ना, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो उसने तुरंत सोचा कि क्यों नहीं ध्यान दे रहे, है ना। तो ये क्या है? रिफ्लेक्शन है। तुरंत मतलब एक्शंस के दौरान टीचर ने क्या ऑब्जर्व करा और कैसे उसको सॉर्ट आउट किया, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। तो उस टीचर ने ये नोटिस किया कि 20 मिनट हो गए और वही बोले जा रहा है, वो स्टूडेंट को मौका नहीं दे रहा है, और अगर स्टूडेंट को मौका नहीं दिया जाएगा तो वो नहीं सीखेंगे। तो उसने फिर क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन इन एक्शन का, ठीक है। इन वर्ड्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि जो भी मैं बोल रहा हूँ। तो ये एग्जाम्पल हो गया रिफ्लेक्शन इन एक्शन का कि जो भी एक्शन चल रहा है उसमें मैंने कैसे रिफ्लेक्ट किया और कैसे कॉन्टिन्यूअस सिचुएशन में उसको सुधारने की कोशिश करी बीइंग ए टीचर। देन दूसरा एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। सपोज करो मैंने टीचिंग करी और मैंने बाद में जब क्वेश्चन पूछे तो बच्चे रिप्लाई नहीं दे पाए, बच्चे आंसर नहीं दे पाए। अब मैं क्लास लेके चला गया अपनी, ठीक है। मैं शाम को कॉफी पी रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ, और फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने पूरी टीचिंग करी, मतलब क्लास को पढ़ाया, और बच्चे क्यों नहीं रिप्लाई दे पाए। फिर मैंने ये ध्यान लगाया कि 40 मिनट मैंने क्लास ली और 40 मिनट में बच्चों का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होता है, वो 40 मिनट तक बिल्कुल अटेंटिव नहीं रह पाते। इसीलिए मेरी क्लास में बच्चे 40 मिनट के बाद या मेरी क्लास के बाद आंसर नहीं कर पाए, तो अगली क्लास में मैं क्या करूंगा, छोटे छोटे सेक्शन में पढ़ाऊंगा और बीच बीच में क्वेश्चनिंग करता रहूंगा। तो ये क्या हो गया, जो भी मैंने एक्शन किया उस पे मैंने रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, कि कहाँ कमी रह गई, क्यों बच्चे नहीं आंसर दे पाए। तो ये एग्जाम्पल हो गया रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन का। देन एक है रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन। तो यहाँ पे फॉर वर्ड आ गया। अब जब मैंने ये सभी चीजें करी कि मैंने सोचा कि 40 मिनट बाद क्यों आंसर नहीं दे पाए, अब जो भी मैं फ्यूचर में करूंगा ना तो वो होगा रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन की, मतलब जो भी फ्यूचर में जो भी चीजें रिफ्लेक्ट होने वाली हैं वो इस एग्जाम्पल में आ जाएंगी। तो रिफ्लेक्शन इन एक्शन कॉन्टिन्यूअस में जो चल रहा है, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन जो मैं काम कर चुका हूँ उस पर मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, देन रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन की फ्यूचर में मैं क्या चीजें करूंगा जिससे कि मेरी गलतियां सुधर जाए। तो ये तीनों चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक अच्छा टीचर बनने के लिए आपको कॉन्टिन्यूअस रिफ्लेक्शन करना होता है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग करनी होती है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाओ और एक अच्छे और बेहतर टीचर बन पाओ, अपनी स्किल्स को एनहेंस कर पाओ, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी ये इसकी जो रिफ्लेक्शन पे एक पूरी क्या कहते हैं बुक है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो, तो वहां से आप जाके इसको और ज्यादा डीप में पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्यों जरूरी है और क्यों सभी टीचर्स को, इवन सभी इंडिविजुअल्स क्यों रिफ्लेक्शन यूज करना चाहिए, राइट।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।